हम दोनों एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा, फिर वह क्या करेगा? इस विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर वह पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ, मेरी बीबी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ, तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता, बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने के दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ, मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में, आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना, कभी हम झगड़ें, एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना, जो बोलना है बोलो, जो कहना है करो, जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना, कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा, एक दूसरे को लाड़ लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना, जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना, जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना, मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट, बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना, जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, जब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना, आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी ख़त्म होते होते बीबी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच सच बताना, इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखों में भी पानी आया है या नहीं? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।